हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग योगा कर रहे हैं, तो बहुत ठंड है, तो ठंड में योगा का मजा ले रहे हैं। ऐसे करिए, ऐसे दिखाइएगा तो उल्टा पुल्टा दिखे, थोड़ा गलिए घसू तो गलिए बकरी। दोस्तों मॉर्निंग टाइम में ठंड में आप लोग भी योगा करिए। अभी कपालभाति कर ले रहे हैं हस्बैंड, हम ये कर रहे हैं, अब ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए ओम करते हैं। करते ओम ज्वार सब आएगा। दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे कि मैम आप ना रोज योगा कीजिए, योगा करने से आपका बीमारी बहुत कम होगा। तो मैं इसलिए आज से योगा करना शुरू करती हूँ, आज से मैं योगा करना शुरू कर दी हूँ। हस्बैंड कर रहे थे तो मैं भी सोची थोड़ा कर लूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लूँ, सब करूँगी। तो आप लोग से शेयर करूँगी दोस्तों कि मॉर्निंग में मैं अपना कैसे दिनचर्या करती हूँ। सुबह सुबह आप लोग भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे हेल्थ अच्छा रहेगा, और हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा दोस्तों। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 2 दिन हो गया कुछ कंटेंट नहीं था, तो क्या वीडियो बनाऊँ झूठ झूठ का। इसलिए आज मैं योगा कर रही हूँ, तो सोचिए आप लोग से थोड़ा सा वीडियो शेयर कर थोड़ा दूँ। बनाएंगे तो यहाँ पे मिल्स दोस्तों करके योगा रखा कर हुआ ली, है, तो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे योगा कर प्याज लिए। अब यहाँ जा रहे मिर्ची लाल साग का पकौड़ा बेसन बनाएंगे, धनिया तो जा जीरा रहे ये सब पकौड़ा का रखा हुआ है। रेसिपी आप लोग से देखिए शेयर कर गोभी रहे का हैं। तो पकौड़ा यहाँ बनाएंगे, पे तो चलिए पकौड़ा बनाते हैं आप लोग से शेयर करते हैं। कोई ब्लॉग नहीं रहता है बना के देने के लिए, तो क्या दूँ सोचती। पकौड़ा बन के तैयार हो गया, इसका नाम ही है लाल पकौड़ा।
इसका क्या नाम है, लाल पकौड़ा। पर्दा उठाई तो थोड़ा देखिए कितना लजीज लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग को कैसा लग रहा है, लेकिन बहुत क्रिस्पी और क्रंची बना हुआ है। देखिए आप लोग भी बनाइए और आप लोग भी खाइए लाल पकौड़ा।